मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ बोलिएगा नहीं भाई प्लीज, कोई नहीं, कोई मत बोलना। प्लेन क्या होता है, ये बोर्ड कैसा है, प्लेन है, ये दीवार कैसी है, प्लेन है ना। अब ये प्लेन है तो इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, है ना, दो चीज होती है, हर प्लेन चीज की दो चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई। और जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है उसका आप एरिया भी निकालते हो, नहीं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी उसका आप एरिया भी निकालते हो। तो प्लेन क्या है, प्लेन क्या है, 2D, क्या है ये प्लेन जो होता है वो कैसा होता है, 2D होता है, टू डायमेंशनल होता है, कैसा होता है, यानी उसके पास लंबाई होती है और क्या होती है भैया, चौड़ाई होती है, लेंथ होती है और विड्थ होती है, विड्थ होती है जो भी कह दो, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई जिसके पास होता है उसको हम 2D कहते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन, यानी इस पे अगर कोई बोर्ड पर कोई छिपकली चली जाए, बोर्ड पर अगर कोई छिपकली चले तो कैसी मोशन कहलाएगी, मोशन इन अ प्लेन। दीवार पर कोई छिपकली चल रही है तो, इस फर्श पर मैं चल रहा हूं तो वो भी प्लेन है, ये फर्श भी कैसा है, प्लेन है, तो फर्श पे भी मोशन क्या है भैया, प्लेन है। दीवार पर छिपकली चल रही है तो वो भी क्या है भैया, प्लेन है। इस बोर्ड पर अगर कोई चीज चली जाए तो वो भी क्या है भैया, मोशन ना प्लेन है। तो ये रहा भैया आपका प्लेन, प्लेन के पास दो चीज होती है, तो एक्स होगा और वाई होगा, और इस पे अगर कोई मोशन होगी तो इसी को क्या कहेंगे भैया, अगर मान लीजिए पहले यहाँ पे थी बॉडी और यहाँ पर चल के आ गई तो ये क्या कहलाएगी भैया, मोशन इन अ प्लेन, और 2D मोशन, और क्या कहलाएगी, 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब क्या हुआ भैया, एक्स और वाई दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। बॉडी यहां पर थी तो एक्स की वैल्यू भी क्या थी, जीरो, और वाई की वैल्यू भी क्या थी, जीरो, लेकिन जब बॉडी यहां पर आ गई तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी और वाई की कुछ वैल्यू होगी, यानी जब बॉडी इस प्लेन पर चल रही है, इस प्लेन पर यहां से ऐसे चलती हुई आई तो यहां पर एक्स वाई दोनों चेंज हुए, एक ही टाइम पर एक्स वाई दोनों चेंज हुए, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, मोशन इन अ प्लेन। जहां पर एक ही टाइम पर एक्स और वाई दोनों चेंज होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं भैया, मोशन इन अ प्लेन। व्हेन टू कोऑर्डिनेट चेंज आउट ऑफ थ्री, जब तीन में से दो कोऑर्डिनेट एक ही टाइम पर चेंज होंगे तो उस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, मोशन इन अ प्लेन। व्हेन टू कोऑर्डिनेट चेंज, व्हेन टू कोऑर्डिनेट चेंज चेंज आउट ऑफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब टाइम के साथ दो दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं एक ही साथ, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, उस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, 2D मोशन। समझ में आ गया नहीं आ गया, एक बस सीधी लाइन में चल रही है तो वो कैसी मोशन कर रही है, वन डायमेंशन या टू डायमेंशन, वन डायमेंशन, क्योंकि वहां पर केवल एक ही चीज चेंज होगी, या तो एक्स चेंज होगा या वाई चेंज होगी, लेकिन अगर ये कोई छिपकली इस बोर्ड पर भाग जाए तो कैसी मोशन होगी, टू डायमेंशन, क्योंकि यहां पर जब भी जब छिपकली यहां पर थी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ये, और वाई की वैल्यू क्या होगी ये, जब छिपकली चल के यहां पर आ गई तो एक्स की वैल्यू ये वाली, ये तो वाई की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू क्या होगी ये, जब छिपकली चल के यहां पे आ गई तो एक्स की वैल्यू क्या होगी भैया, ये है ना, और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख रहे हो ये छिपकली चल रही है तो यहां पर एक्स वाई दोनों ही चेंज हो रहे हैं एक ही टाइम पर, तो किस तरह की मोशन ये है, 2D मोशन। चैप्टर का नाम समझ में आ गया, चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, या मोशन 2D मोशन, या क्या है भैया, 2D मोशन, यहां पर एक ही टाइम पर दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है, चलो अब बात करते हैं भैया इस चैप्टर के मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ये कौन सी क्वांटिटी होती है भैया, सबको पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए एक थैला है, थैले में रखी है चार गेंदे, एक गेंद का मास क्या है, 1 किलो, दूसरी गेंद का मास क्या है, 2 किलो, तीसरी गेंद का मास क्या है, 2 किलो, चौथी गेंद का मास क्या है भैया, 1 किलो, बताओ इस थैले का कुल मास कितना होगा, थैले का खुद का कोई मास नहीं है, थैले का खुद का कोई मास नहीं है, इसके अंदर जो बॉल रखी है उसकी वजह से कुल कितना मास होगा, टोटल मास कितना होगा, 6 kg। मैंने क्या किया, 2 किलो मास को, 1 किलो मास को इधर रख दिया और 2 किलो वाले मास को इसकी जगह पर रख दिया, तो क्या मास चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा,
चेंज हो गया। मैंने 2 किलो वाले मास को इधर रख दिया, वाले 2 किलो को, और इस 2 किलो वाले को यहां पे रख दिया, मास में कोई चेंज आएगा? यानी मास की पोजीशन को कुछ भी रखो, ठीक है, लेकिन रिजल्ट वही आ रहा है बार बार। इन बॉल्स की पोजीशन को चेंज करोगे, क्या रिजल्ट आपका चेंज हो रहा है? कहाँ चेंज हो रहा है, गर्दन हिला रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है? अगर मैंने बॉल की पोजीशन को चेंज कर दिया तो क्या कुल मास चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज हो रहा, मास क्या आ रहा है, वही आ रहा है। ठीक है, अब देखो, ये देखो, ये बॉडी है, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स, ये क्या लग रहा है, 4 न्यूटन, ये क्या लग रहा है, 6 न्यूटन, कुल कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, अभी 10 आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, मैंने क्या किया, इस 6 न्यूटन को यहां से हटा करके यहां लगा दिया, अब बताओ इस बॉडी पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का, क्या लग रहा है, नहीं। अगर मैंने इस 6 न्यूटन को हटा करके यहां पे लगा दिया तो अब क्या लग रहा है, अब ना तो 2 लग रहा है और ना ही 6 लग रहा है और 10 लग रहा है, अब ये कुछ और लग रहा है। यानी आप देख रहे हो यहां पर उन्हीं चीजों के बीच में अगर मैं डायरेक्शन पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में मैं कोई सी भी पोजीशन कर रहा हूं, अलग अलग पोजीशन रख रहा हूं, बाकी रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, एक ही आ रहा है। जब रिजल्ट हमेशा एक आए, पोजीशन कुछ भी हो, तो ऐसी क्वांटिटी कैसी को क्या कहलाती है, स्केलर, क्या कहलाती है। लेकिन जब आप पोजीशन एंगल चेंज करो, अलग अलग एंगल पर अलग अलग रिजल्ट आ रहा है उसी क्वांटिटी का, तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है भैया, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जिसके जिसकी पोजीशन चेंज करो और रिजल्ट चेंज हो जाए, इसका मतलब वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है, क्या करती है, दोबारा बोल रहा हूँ भैया, ऐसी क्वांटिटी जिनके बीच का एंगल चेंज करो, पहले देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में थी तो 0 डिग्री का एंगल था, दोनों एक दूसरे से भी उल्टी हो गई तो 180 डिग्री का एंगल हो गया, अभी दोनों ऐसे हो गए तो कितना डिग्री का एंगल हो गया, 90। हर केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यानी एंगल चेंज करने पर रिजल्ट अगर चेंज हो जाए तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। और इस लॉ को हम कहते हैं भैया वेक्टर एडिशन लॉ, क्या कहते हैं इसे, वेक्टर एडिशन लॉ का मीनिंग क्या है, एंगल चेंज करो रिजल्ट चेंज हो जाए, एंगल चेंज करो तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या फॉलो कर रही है, वेक्टर एडिशन लॉ, फोर्स वेक्टर है। कैसे पता, क्योंकि तो भैया हम इनके बीच का एंगल चेंज कर रहे हैं और रिजल्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मास वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया इन मासेस की पोजीशन कितनी भी चेंज कर लो लेकिन रिजल्ट क्या आने वाला भैया, 6 किलो ही आएगा, समझ गए भैया। तो इसका मतलब ये क्या है, स्केलर, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। तो अब हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे वो क्या कहलाती है, वेक्टर, और ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती वो क्या कहलाती है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ये क्या है भैया, ये डेफिनेशन हर जगह पर अप्लाई होती है। मास, एक थैले में कुछ बॉल रखी हुई है, उन बॉल की कोई भी पोजिशन रखो, किसी भी पोजिशन में रखो, आपका कुल मास क्या आएगा, वही आएगा, कभी मास चेंज होने वाला नहीं है रिजल्ट। लेकिन अगर फोर्स लग रही है एक बॉडी पे और फोर्सेस की डायरेक्शन पोजीशन चेंज करो नहीं फोर्स के, तो रिजल्ट क्या होगा, बार बार अलग आएगा। इसका मतलब वो क्या भैया, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करें, क्लियर है भैया। तो भैया अभी तो खैर मैं आपको अपने उसी लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आपने सुन रखा है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भैया, जिसके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, पहला, दूसरा, दे डू नॉट फॉलो, दे डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट एंगल सेम रिजल्ट, डिफरेंट एंगल, अब जो नहीं फॉलो करता तो एंगल कुछ भी कर लो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। हेलो, हाँ जी सर, बोलिए, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है भैया। तो जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती उसका क्या मतलब बेटा, डिफरेंट एंगल बट डिफरेंट पोजीशन बट, समझ में बात नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। इसके एग्जांपल बहुत सारे, एग्जांपल अभी कौन नोट कर रहा है,
स्पीड भी क्या होती है भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको हमेशा 4 किलोमीटर पर आवर बता जाएगा इसमें, लेकिन डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं होता। मास क्या होता है भैया, ये भी स्केलर होता है। 4 किलो बता देंगे, लेकिन क्या है किलो, डायरेक्शन होती है क्या इसके साथ, बताते डायरेक्शन नहीं बताते। ठीक है, डिस्टेंस जब भी बात होती है तो बोलेंगे 8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चल गया भैया, 8 किलोमीटर चल गया, डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं करता। तो ये सब क्या है भैया, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इतना ही पढ़ना है भाई, स्केलर इतना ही पढ़ना है। ठीक है भैया, स्केलर बहुत ज्यादा नहीं है। हम जो पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में वो है भैया वेक्टर। क्या है ये, तो चलो भैया देखते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन बता दो भैया, भाई जरा कोई बताया मुझे डेफिनेशन। आदित्य बता बेटा, वेक्टर क्या होता है और कितना प्यारा बच्चा है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने का मतलब क्या डेढ़ा जी, हाँ अरे अभी बताया मैंने चिल्ला चिल्ला के 4 बार। वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है, डिफरेंट एंगल डिफरेंट रिजल्ट। अलग अलग एंगल पर अगर रिजल्ट आपका क्या आ रहा है भैया, अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो, और वो क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए बेटा। तो ये क्या है, पहला मैग्नीट्यूड भी होगा द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या भैया, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड, फॉलो दी वेक्टर एडिशन लॉ। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट एंगल बट और एंड डिफरेंट एंगल क्या नहीं। हो गया। अरे यार भैया, ठीक है देखिए भैया, जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है वो क्या होती है भैया, डिफरेंट रिजल्ट। एग्जाम्पल बताइए भैया इसका, एग्जाम्पल बताइए भैया, वेलोसिटी। और जब भी आप वेलोसिटी बोलोगे तो उसके साथ में आपको क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन। 4 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, 4 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट। बैठे बहन बैठ के ही बात हुई। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। और एक्सिलरेशन भी क्या था भैया, वेक्टर होता है, बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर होती है, वेक्टर क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, न जाने कितनी क्वांटिटीज क्या होती है वेक्टर होती है। एक बार दोबारा से देख लीजिए भैया, मैंने क्या बोला भैया, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है भैया, ऐसी बॉडी जिसके पास दो डायमेंशन हो, एक्स हो और वाई हो, उसके बीच में अगर कोई मोशन होती हो तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, टू डायमेंशन मोशन। क्या कहते हैं उसे, और इसमें जब बॉडी चलती है तो एक ही टाइम पर दोनों एक्सिस आपके चेंज होते हैं, एक्स और वाई दोनों चेंज होते हैं। ठीक है भैया, और यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन टू कोऑर्डिनेट चेंज आउट ऑफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज टू डायमेंशन मोशन। फिर मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया, मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल क्या हो भैया, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, और साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो फॉलो नहीं करता, इसका मतलब उसका क्या है भैया, डिफरेंट एंगल बट सेम रिजल्ट। समझ गया भाई। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, स्पीड क्या भैया, 4 किलोमीटर पर आवर है, इसके साथ डायरेक्शन मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। मास क्या भैया, 4 किलो है, मास के साथ कभी भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया था। ठीक है भैया, डिस्टेंस के साथ भी कभी डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया था। फिर मैंने बोला वेक्टर क्वांटिटी, इसी को पढ़ना है पूरे यहाँ पर बुक में। ठीक है भैया, चैप्टर में क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, और साथ साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करे भैया, फॉलो करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करने का मतलब डिफरेंट एंगल डिफरेंट रिजल्ट। हे भैया, एग्जाम्पल बोला भैया, वेलोसिटी 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, एक्सेलरेशन और मोमेंटम, मोमेंटम बहुत सारी क्वांटिटी है। ठीक है भैया,
जो हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ठीक है आगे बढ़े। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ध्यान दीजिएगा भैया, बोलिए नहीं प्लीज सर। इफ ए इज वेक्टर, इफ ए इज वेक्टर, तो हम क्या लगाएंगे? ए के ऊपर एरो। क्या लगा देंगे? ए के ऊपर एरो। इफ बी इज वेक्टर तो क्या लगाएंगे? बी के ऊपर एरो। एक और लिख देते हैं, इफ सी इज वेक्टर तो क्या लगाएंगे? सी के ऊपर एरो। ठीक है, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके ऊपर क्या लगाओगे? एरो। एरो क्या बताएगा? वो क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गया? अब देखिए, अब है भैया वेक्टर कंसिस्ट विद, लाख रुपए का क्वेश्चन है। वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ठीक है, साथ में क्या होती है? तो मैग्नीट्यूड को हम किससे लिखते हैं? नंबर से। नंबर विद यूनिट, नंबर विद, और डायरेक्शन को लगाते हैं हम किसी के ऊपर। मान लीजिए मैंने कोई डायरेक्शन है तो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। ये जरूरी नहीं कि एन कैप ही है। जैसे अभी यहां पर देखिए, जैसे मुझे एक्स की डायरेक्शन को दिखाना है तो मैं लगाऊंगा आई कैप। क्या यूज करूंगा? वाई। कोई चीज वाई की डायरेक्शन में चल रही है तो क्या लगाऊंगा? जे कैप लगाऊंगा। कोई चीज जेड की डायरेक्शन में चल रही है तो क्या लगाऊंगा? के कैप। समझ गया भैया? तो अगर मैं टू आई कैप लगा दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या? वो वेक्टर क्वांटिटी किसके लॉन्ग है? एक्स के लॉन्ग। सिक्स जे कैप लगा दूंगा तो वेक्टर क्वांटिटी किसके लॉन्ग है? वाई के लॉन्ग। सिक्स के कैप लगा दूंगा तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? सिक्स क्या है? मैग्नीट्यूड। और जे आई के ये सब क्या है? डायरेक्शन। समझ गया भैया? अंशु समझा? तो भैया एक क्वांटिटी ध्यान दीजिए भैया, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैं ए वेक्टर को कैसे लिखूंगा देन? ए वेक्टर, अच्छा हाँ यहां पर पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। ठीक है भैया, बोलिए मत भाई प्लीज, बोलिए मत प्लीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ वेक्टर। क्या होता है? लेंथ ऑफ वेक्टर। ध्यान दीजिए अभी, इतना समझिएगा, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ वेक्टर। मान लीजिए ए कोई वेक्टर है। क्या है? इफ ए इज वेक्टर, इफ ए इज वेक्टर, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए के ऊपर एरो। इफ ए इज वेक्टर देन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो ए से दिखाऊंगा या ए का मॉडुलस। ए का मॉडुलस निकालना भी जिसको नहीं आता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है भैया, देखिए अगर ए वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके मैग्नीट्यूड को हम किससे दिखाएंगे? ए से या इससे? वैसे आपको ज्यादातर ये इससे ही दिखाना है क्योंकि ये आसान है, बड़ा आसान है। अगर मैं बोलूं भैया, अगर इफ बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट्स मैग्नीट्यूड, देन इट्स मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएगा? मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे दिखाएंगे? बी से या बी वेक्टर का मॉडुलस। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ऐसे कोई सही वेक्टर हो उसके मैग्नीट्यूड को या तो बी, मतलब सी होगा, सी वेक्टर होगा तो सी, या फिर नॉर्मली सी वेक्टर का मॉडुलस। डी वेक्टर अगर वेक्टर क्वांटिटी तो उसके मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाएंगे? डी वेक्टर डी, या नॉर्मली उसका मॉडुलस। ठीक है भैया, मॉडुलस निकालना भी बता दूंगा। ठीक है भैया, चलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा भैया। इफ ए इज वेक्टर, ए इज वेक्टर, देन इट्स डायरेक्शन
डायरेक्शन क्या होगी भैया, क्या होगी भैया, ए कैप, क्या होगी, ए कैप। इफ बी इज वेक्टर, बी इज वेक्टर, देन इट्स डायरेक्शन क्या होगी बेटा, बी कैप। इफ सी इज वेक्टर, देन इट्स डायरेक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं भाई है? तो भैया चलो आप देखते हैं, देन ए वेक्टर कैन बी रिटन एज, ए वेक्टर के पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होता है, त्रिकला 6 बजे ना, बैठ गया, ठीक है, ए वेक्टर है तो इसके पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ए के मैग्नीट्यूड को, ए के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे। हाँ देख देख ज्ञानी, या तो आप लिख दो ए, या ए मॉडुलस, मैं ए ही यूज करूंगा। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर के पास दो चीज होंगी ना, मैग्नीट्यूड, और तो मैग्नीट्यूड लिख दिया ए का, डायरेक्शन कैसे लिखोगे, ए क्या, समझ गए, तो ए वेक्टर लिख दिया हमने, ए क्या है, ये क्या है भैया, और ये क्या है, डायरेक्शन। अगर इफ बी वेक्टर क्या होगा, बी बी की डायरेक्शन, सी वेक्टर क्या होगा, सी सी की डायरेक्शन, डी वेक्टर क्या होगा, डी डी की डायरेक्शन, कोई दिक्कत, सॉरी कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, आसान है चीजें भाई, मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट होता ही नहीं है एक्चुअल में, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, जो बच्चा पढ़ाई के टाइम पे उसका दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। मैं आपको बता दूं ये केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री को आप रट्टा 90% केमिस्ट्री में रट्टा होता है, अगर आप ना उसको बीच चैप्टर से ही पढ़ोगे ना फिर भी समझ में आएगी चीजें, क्योंकि आपको रटना ही तो है, ठीक है 90%, लेकिन फिजिक्स में पूरा सुनना पड़ता है, चीजों को लिंक करना पड़ता है, उसके बाद चीजें एक साथ कंबाइन करके आती हैं, समझ गए भैया। ये आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये अभी कंबाइन होने वाली है, ठीक है, अगर इन टुकड़ों को आप समझ जाओगे तो बाद में कंबाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए, पुर्जों की जानकारी ले लो, बाद में एक मशीन बना देंगे इससे, ठीक है भैया, आसान है, बहुत आसान है, फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है, समझ गए भैया, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं भैया, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है, अब आते भैया टाइप ऑफ वेक्टर पे, इस पे आते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार, ध्यान दीजिएगा भैया, वेक्टर के प्रकार, पहला है इक्वल वेक्टर, क्या है भैया, इक्वल से क्या मतलब निकलता है, दोनों आइडेंटिकल और दूसरे क्या हो, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के आइडेंटिकल है या इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, तो ये ध्यान रखो, इफ ए वेक्टर बराबर में बी वेक्टर, देन इसका मतलब क्या हुआ, कि ए का मैग्नीट्यूड बराबर में एंड ए की डायरेक्शन बराबर में कोई हो, ठीक है बेटा, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में क्या होगी भैया, सेम होगी, ये क्या बराबर कर रखा है मैंने अंश, ये क्या बराबर कर रखा है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाला मैग्नीट्यूड है, नीचे वाली डायरेक्शन है, गधा कहीं का, कैप लगाते हैं, आगे बैठ, आ जा, प्रसाद मिलना चाहिए ना, अरे अरे क्या हुआ, चक्कर आने लगेगी मेरे को, कोई नहीं, ठीक है, देखिए अब ये दोनों वेक्टर अगर भैया इक्वल है तो भैया एकदम आइडेंटिकल होंगे दोनों, ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और दोनों की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, तो ए और बी वेक्टर क्या है भैया, इक्वल वेक्टर, समझ गए भैया। दूसरा अपो, क्या वो अपोजिट वेक्टर, क्या है भैया अपोजिट वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, नेगेटिव वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या हो भैया, सेम हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो भैया, उल्टी हो, डायरेक्शन क्या हो, तो इफ ए वेक्टर अपोजिट टू
बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, सेम होगा। देन ए का मैग्नीट्यूड बराबर में बी का, बट क्या ए की डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ बी की डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, समझ गए भैया। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है तो इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनकी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत होगी। जैसे ए अगर ऐसे बना दिया मैंने तो बी कहां बनाऊं, ऐसे बनाऊंगा। दोनों की लंबाई क्या है, सेम है, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दोनों एक जा रहा है राइट में दूसरा जा रहा है लेफ्ट में, समझ गए भैया। फिर आता भैया तीसरा, कोप्लेनर वेक्टर। अरे बहुत टाइप है, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, अब नाम से क्या पता लग रहा है, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हो, जो सेम प्लेन, मैंने क्या खींच दिया, एक्स वाई प्लेन, क्या बोल दिया, एक्स, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, इसमें ए वेक्टर खींच दिया, इसी में बी वेक्टर खींच दिया, इसी में सी वेक्टर खींच दिया, इसी में डी वेक्टर खींच दिया, ये सब क्या है भैया, एक ही प्लेन में है, तो ये सब क्या है भैया, को प्लेनर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये सेम प्लेन वाले वाले वेक्टर्स, जो एक ही प्लेन में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं भैया, को प्लेनर वेक्टर्स। अब इसमें इक्वल हो इक्वल ना हो, नेगेटिव हो नेगेटिव ना हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, देखो देखना कि प्लेन उनका सेम है नहीं है, प्लेन सेम होगा, प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन अलग होता है, जेड एक्स प्लेन क्या होता है, अलग होता है। अब देखो ना ये दीवार क्या है, ये अलग प्लेन है, ये परली वाली दीवार क्या है, ये अलग प्लेन है, ये उरली वाली सॉरी सामने वाली दीवार क्या है, अलग प्लेन है, नहीं जमीन वाली ये दो प्लेन है, ये अलग प्लेन है, तो इस प्लेन में जो भी होगा कोप्लेनर होगा, एक दीवार पर जो भी होगा सब क्या होगा, कोप्लेनर, लेकिन परली वाली दीवार में जो होगा वो कोप्लेनर, ठीक है, वो अपने प्लेन के लिए कोप्लेनर होगा, समझ गए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और खींच दिया, समझ गया ना आप, ये खींच दिया माइनस एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पर खींच दिया एल वेक्टर, यहाँ पर खींच दिया एम वेक्टर, तो एल और एम क्या है, कोप्लेनर है, लेकिन एल एम क्या है, ए बी सी डी के कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि तो इन दोनों का प्लेन क्या है भैया, अलग अलग है, समझ गए। फिर आता है भैया या एक प्लेन तो दो ही डायरेक्शन होते हैं ना, एक्स और वाई, है हाँ, ना, दैट पॉइंट। प्लेन की दो ही डायरेक्शन होती है। हाँ अच्छा देखिए फिर आता है भैया को इनिशियल वेक्टर, क्या आता है, इनिशियल वेक्टर, इनिशियल मतलब क्या होता है भैया, को इनिशियल मतलब जो एक ही पॉइंट से निकले, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो भैया, एक हो, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, क्या हो भैया, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, यहां से ए भी निकला, यहां से बी भी निकला, यहां से सी भी निकला, तो ये सबके सब क्या है भैया, को इनिशियल वैक्टर, क्या है ये। फिर आता है भैया आपका को टर्मिनल वेक्टर, क्या आता है, को टर्मिनल वेक्टर, सेम एंडिंग पॉइंट, क्या है भैया, सेम एंडिंग पॉइंट। बेटा अगर एक बार खींच दी ना रहता तो हिसाब किताब खराब हो जाएगा तेरे यहीं पे, ठीक है, सेम एंड, भाई पढ़ाते वक्त तुम बोला करो, तुम्हें पता है मेरे, तुम्हें तो नहीं पता होगा मेरे बहुत ही गुस्सा आता है पढ़ाते वक्त। पिछली बार एक लड़के ने 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास, पहले 11वीं में था तो 12वीं में, वो पूछना उसका, वो हश्र किया था ना मैंने कि वो कांपता है, ठीक है ठीक है, मजबूर मत करो मेरे को, ठीक है, बहुत मारता हूँ मैं, बहुत बहुत मारा मैंने उसको, ठीक है भैया। देखिए भैया जिनका सेम एंडिंग पॉइंट होता है ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया, को टर्मिनल वेक्टर्स, क्या कहते हैं उसे, को टर्मिनल वेक्टर। ये भैया क्या है, ए बी सी सब एक ही पॉइंट पर से एंड हो रहे हैं ना, सबका एंडिंग पॉइंट क्या है भैया, ओ, तो इसलिए क्या कहेंगे, को टर्मिनल वेक्टर, क्या कहेंगे, समझ गए। और फिर आता है भैया
जीरो वेक्टर क्या आता है, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हो गया? देखिए, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो भैया? जीरो। जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अनडिफाइंड हो। क्या हो भैया? मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। ये ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, अभी पता लग जाएगा आपको। ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड जीरो, और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन अनडिफाइंड। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या भैया? जीरो हो लेकिन डायरेक्शन का कुछ अता पता नहीं हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है भैया, एग्जाम्पल देखिए भैया। अगर आपकी वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होता है, याद है आपको, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्या कहलाता है भैया? जीरो वेक्टर। अगर किसी चीज की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई चीज सेम स्पीड से भागी जा रही हो, तो उस केस में आपको एक्सेलरेटर देने की आवश्यकता नहीं होती। कोई चीज सेम स्पीड से आ रही है, कोई किसी की वेलोसिटी सेम है, तो आप बाइक में एक्सेलरेटर नहीं देते। एक्सेलरेटर कब देते हो? जब आपको स्पीड चेंज करनी होती है, घटानी होती है फिर भी दोगे, बढ़ानी होती है फिर भी दोगे। लेकिन अगर सेम स्पीड में चलना तो एक्सेलरेटर देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? जीरो होगा। दूसरा एग्जांपल है भैया, इफ मोमेंटम, मोमेंटम जानते हो भैया? मोमेंटम कांस्टेंट हो, 9th क्लास अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा। मोमेंटम का तभी चेंज हो सकता है जब बॉडी के ऊपर क्या लगता है? फोर्स। अगर आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम मतलब कोई चीज चल रही है, ठीक है, मान लो बाइक चल रही है, बाइक अगर सेम रफ्तार से चल रही है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। और अगर आपको बाइक की स्पीड को चेंज करना है, घटाना है, बढ़ाना, तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी अगर फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम क्या रहेगा? सेम। और अगर मैंने मोमेंटम सेम कांस्टेंट, मतलब क्या होता है सेम, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर फोर्स वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो फोर्स वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? जीरो। समझ गया? इसके और भी एग्जांपल होते हैं। तीसरा, दो वेक्टर सेम वेक्टर को अगर माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो वेक्टर। क्या आएगा? चौथा एग्जाम्पल, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर आएगा। समझ गया बेटा? तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो भैया? सेम हो, और सॉरी जीरो हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो भैया? अनडिफाइंड हो। कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दूंगा तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? जीरो। जब मोमेंटम कांस्टेंट बोल दूंगा तो फोर्स वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी क्या होगा? जीरो वेक्टर। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता है भैया आपका पोजिशन वेक्टर। क्या आता है? कौन होते पोजिशन वेक्टर? देखिए भैया, पोजिशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। पीवी लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? ये मत सोचो छुट्टी होगी, इसके बाद आप कॉपी करोगे यहीं पे, ठीक है? हाँ, तो इसकी, हाँ कोई नहीं, छुट्टी कर दूंगा। जिसकी बायो की होगी चले जाएगा। नहीं, बायो की तो किसी की नहीं है। पोजीशन वेक्टर तो भैया, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, रिवाइज कराऊंगा लेकिन रुकना पड़ेगा 5 मिनट के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं एक ही क्लास में, देखो एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ मैं लगातार क्यों पढ़ा रहा हूँ। रीजन क्या है कि भैया आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। फर्स्ट टर्म में आपके 7 चैप्टर के आसपास आते फिजिक्स में, और एक चैप्टर बराबर में केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, मैथ का 1.5 चैप्टर फिजिक्स में। और फिजिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पे कमांड अच्छी रहती है, तभी आप अच्छा कर पाओगे फिजिक्स के पेपर में। नहीं तो आप एक ही चीज करके जाओगे तो आप फॉर्मेलिटी में पास हो जाओगे बस, ज्यादा ज्यादा, ठीक है? अगर आपको फिजिक्स, अगर और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको फिजिक्स आती है ना तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट आसान है, और अगर आपको सब कुछ आता है फिजिक्स नहीं आती ना, तो फिर आप ना कच्चे खिलाड़ी हो, आप आगे तक नहीं जा पाओगे। ये ध्यान रखना, अगर आगे तक जाना तो केवल यही सब्जेक्ट है। बच्चे सोचते हैं नीट नीट, भाई नीट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो रुकता है ना फिजिक्स की वजह से रुकता है। नीट वाले बच्चे को फिजिक्स ही नहीं आती, डरता है वो। बायोलॉजी, हर नीट के बच्चे को बायो आती है। गधा घोड़ा जो भी नीट का दे रहा है ना पेपर, सबको बायो आती है, सबको बायो आएगी, लेकिन मार कहाँ खाता है? फिजिक्स में, ठीक है भैया? तो इसीलिए ध्यान रखना, फिजिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट है ही नहीं। आप अगर यहाँ पर इसको एक बार पढ़ लो ना और यहीं पर रिवाइज कर लो, गारंटी दे रहा हूँ आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे, क्योंकि आप इसमें रट्टे लगाते, दिमाग में चीजें भरते हो, कैलकुलेशन करते हो, सोचते हो, फील करते हो। फिजिक्स में फिजिक्स फील होती है, केमिस्ट्री फील नहीं होती, मैथ फील नहीं होती, लेकिन फिजिक्स फील होती है। और ये चीज फील होती है वो लंबे टाइम तक दिमाग में रहती है, ठीक है भैया? तो जी।
तो इसीलिए भैया फिजिक्स आज से आसान सब्जेक्ट नहीं है, बस यही है कि आपका अटेंशन पूरा मांगती है। फिजिक्स एक गर्लफ्रेंड है, जिसको जितना टाइम दोगे वो आपके साथ उतना आपका साथ देगी, टाइम नहीं दोगे तो चल साइड हो। ठीक है भैया, दूसरा संभाल लेगा, क्या दिक्कत, समझा? पढ़ाई में ध्यान दे बेटा। पोजिशन वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो भैया, और रीजन हो, क्या हो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या भैया, और रीजन। ठीक है भैया, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया, पोजीशन वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या भैया, ऐसे वेक्टर्स को पोजीशन वेक्टर। देखिए भैया, ये है एक्स, ये है वाई, ए वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ। इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एंड वाले कोऑर्डिनेट्स हमारे देखे 2,4, क्या देखे, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, क्यों ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कौन सा वेक्टर ये, पोजीशन वेक्टर। सारे पोजीशन वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो कैसा वेक्टर है, उसके स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। यस, वन डायमेंशन होगा तो केवल एक ही होगा 0, टू डायमेंशन होगा तो दो दो 0 जाएंगे, 3D होगा तो तीन तीन 0, यानी एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0, समझ गए। अब इस वेक्टर को लिखा कैसे जाए, तो देखिए भैया, ओ ओ ओ मतलब ओरिजन, ओ ए वेक्टर बराबर में क्या लिखा जाएगा, ओ ए वेक्टर क्या भैया, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ओरिजन, और एंड वाला पॉइंट क्या था, ए, समझ गया। इसको लिखेंगे कैसे, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है और यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, 2 - 0 आई कैप। आई कैप क्यों लगाया, क्योंकि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स की डायरेक्शन को हम किससे दिखाते हैं, आई से, समझ गए भैया। यहां पर वाई की वैल्यू क्या है भैया, 4, और स्टार्टिंग वाले पॉइंट के वाई की वैल्यू कितनी है, 0, क्या लिख दिया भैया जी, तो इसको लिखे 2i+4j, ये ओ ए वैक्टर की वैल्यू आ गई। ये क्या है भैया, पोजीशन वेक्टर है। कैसे पता भैया, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भैया, और रीजन है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ। तो यहां से यहां तक की लेंथ निकालो, तो मैग्नीट्यूड को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे, याद है आपको, या फिर ऐसे, या फिर नॉर्मली ओए मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत तो नहीं बढ़िया। तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा या तो ओए या ओए का मॉडुलस। अब कैसे निकालते हैं, देखिए यहीं पे सीख जाओगे आप। मुझे पता भी है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो इसकी लंबाई होगी यहां से आ सके, और एक लाइन की लंबाई निकाली जाती है डिस्टेंस फॉर्मूले से, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बताइए, बता, X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y1 का होल स्क्वायर। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है भैया, जो भी है याद है चैप्टर का नाम, लेकिन पता नहीं है क्या है। चल अच्छा, तो छोड़, ये बता यहाँ पर X2 क्या है, दूर मत जा, X2 क्या है, यहाँ पर 2 है, X2 क्या है भैया, X1 क्या है भैया, 0 होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, Y2 क्या है भैया, 4, 0, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये क्या होगा भैया, 4 + 16 क्या होगा भैया, 20, 20 क्या होता है भैया, 2√5, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है भैया, 2√5। या तो आप ऐसे निकालो, या एक तरीका और है, कुछ नहीं करो भैया, ये तो आपको पता लग गया ना मैग्नीट्यूड का लॉजिकल क्या है, लॉजिक क्या है, लेंथ निकालो, लेंथ किससे निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूले से। एक और तरीका जिसमें आपको कोई लॉजिक यूज नहीं करना, गधे घोड़े के लिए होता है ये तरीका, लेकिन आपको भी यही गधे घोड़े बनना है, क्योंकि बार बार लॉजिक लगाओगे तो लंबा हो जाएगा मेथड। ठीक है भैया, क्या है भैया, सीधा ये देख रहे हो वेक्टर, तो इसका सीधा मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, अंडर रूट क्या है भैया, आई के साथ क्या है, 2, 2 का स्क्वायर कर दो, जे के साथ क्या है भैया, 4 का स्क्वायर कर दो, क्या आ गया भैया, 2√5। ठीक है भैया, तो अभी यहीं तक कर रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है भैया, अब मीटिंग खत्म हो रही है, मीटिंग खत्म ही होगी।